फ्लाइट में एयर होस्टेस की लाइफ को लोग काफी ग्लैमरस और ज्यादा सैलरी वाली जॉब मानी जाती है। लोग सोचते हैं कि बस मजे की नौकरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एयर होस्टेस ने अब इस नौकरी को लेकर कई खुलासे किए हैं। उसका कहना है कि सबसे ज्यादा खराब और डर्टी अनुभवों का सामना इन्हीं एयर होस्टेस को करना पड़ता है। एयरलाइंस इंडस्ट्री के इन सीक्रेट पर पिछले दिनों एक सर्वे हुआ। बिजनेस इंसाइडर ने सर्वे को छापा है, जिसमें एयर होस्टेस के कामकाज और लाइफ से जुड़े कई पहलू सामने आए हैं। एक एयर होस्टेस ने सर्वे में बताया कि एक महिला पैसेंजर भागती हुई उसके पास आई। वह एक बच्चे की तरह गोद में चढ़ गई। एयर होस्टेस ने पहले सोचा कि वह बाथरूम जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। गोद में वे एक छोटे बच्चे तरह अंगूठा चूसने लगी। उस महिला पैसेंजर ने बताया कि वह अपनी घबराहट की दवाई खाना भूल गई। एयर होस्टेस ने अपने ऐसे ही शॉकिंग अनुभव के बारे में बताया, जब एक पैसेंजर ने अनाउंसमेंट करने के लिए कहा। पैसेंजर बोला कि एक पैसेंजर बहुत देर से हवा पास कर रहा है और वह उसे रोकना चाहता है। एयर होस्टेस से पैसेंजर से हवा पास न करने के अनाउंसमेंट करने के लिए कहा। एयर होस्टेस ने बताया कि ज्यादा घंटों की इंटरनेशनल फ्लाइट में पैसेंजर जब ज्यादा शराब पी लेते हैं तो प्लेन को घर की तरह मानने लगते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि जो पैसेंजर घर में बिना कपड़ों के सोते हैं, वे फ्लाइट में भी शराब पीकर सोने के लिए ऐसा करने लगते हैं। ये बहुत ज्यादा खराब लगता है। ऐसा करना ज्यादा घंटों की इंटरनेशनल फ्लाइट में मान्य नहीं है, उसके बावजूद पैसेंजर ऐसा करते हैं।